नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रामीण अड्डा में। आज हम संविधान में अध्ययन करते हैं महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 165 में यानी 165 में। महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता होंगे। प्रत्येक राज्यों में महाधिवक्ता होंगे। बत्ता होंगे। प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है, महाधिवक्ता संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था? महाधिवक्ता एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। प्रश्न पूछा जाता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि महाअधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति 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 महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। जैसे राज्यपाल चाहेगा तब तक वह राज्य में महाअधिवक्ता रह सकता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत है। जैसे राज्यपाल चाहेगा तब तक राज्य में महाअधिवक्ता रह सकता है। महाअधिवक्ता रह सकता है। प्रश्न पूछा जाता है, महाअधिवक्ता का कार्यकाल क्या है? महाअधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया है। महाअधिवक्ता का कार्यकाल महाअधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है। संविधान में निश्चित नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है, महाअधिवक्ता का वेतन कौन निश्चय करेगा? महाअधिवक्ता का वेतन विधानमंडल निश्चय करेगा। महाअधिवक्ता का वेतन विधानमंडल निश्चय करेगा। विधान मंडल निश्चित करेगा। विधानमंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। प्रश्न पूछा जाता है, महाअधिवक्ता को कौन हटा सकता है? महाअधिवक्ता कौन हटा सकता है? हटा सकता है महाअधिवक्ता
अधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न पूछा जाता है, महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसे देगा? महाअधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। महाअधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। प्रश्न पूछा जाता है, महाअधिवक्ता को शपथ कौन दिलाता है? महाअधिवक्ता को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जा सकती है या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा? महाअधिवक्ता को शपथ राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा? नियुक्त व्यक्ति द्वारा। प्रश्न पूछा जाता है, महाअधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? महाअधिवक्ता बनने के लिए योग्यता है, महाअधिवक्ता बनने के लिए उसे हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, या वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्याय अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, वह भारत के किसी उच्च न्यायालय में में 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, प्रश्न पूछा जाता है, महाअधिवक्ता का कार्य क्या है? प्रश्न पूछा जाता है, महाअधिवक्ता का कार्य क्या रहता है? वह राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, वह राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है, सलाह देता है, या वकील के रूप में कार्य करना, वकील के रूप में कार्य करता है, वकील के रूप में कार्य करना, जैसे महाधिवक्ता का कार्य है राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना या वकील के रूप में कार्य करना। जैसे राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस होता है या मुकदमा होता है, तो उसकी तरफ से जो केस लड़ेगा वो महाअधिवक्ता लड़ेंगे। महा अधिवक्ता का कार्यालय कहाँ है? वो प्रयागराज में है कार्यालय, वो प्रयागराज,
प्रयाग राज्य यानी इलाहाबाद में, इलाहाबाद। प्रश्न पूछने अनुच्छेद अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को राज्य के दोनों सदन विधानसभा विधान परिषद में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद वन सेवन सेवन के तहत महाधिवक्ता को राज्य के दोनों सदन जी के दोनों सदन दोनों सदन में दोनों सदन विधानसभा व विधान परिषद विधान परिषद में बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, अधिकार है, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। नहीं, अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा विधान परिषद में बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता को महाधिवक्ता को विधानसभा व विधान परिषद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में। उत्तर प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता महाधिवक्ता वो है पंडित कन्हैयालाल, पंडित कन्हैया लाल मिश्रा। इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1969 तक रहा था, 1952 से लेकर 1969 तक रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता वर्तमान में यूपी के महाधिवक्ता में राघवेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।